मैंने आपसे कहना था कि जी अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। ए साहब जी को सलाम कर। साहब जी ये मेरी बेटी रूही है। ये आपकी बेटी है? जी। अच्छा साहब जी नाश्ता तैयार है, लगा दूं? नहीं नहीं बुआ, मैं यही कहना चाह रहा था आपको कि मैं नाश्ता नहीं करूंगा, ऑफिस से देर हो गई, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ए गूंगी क्यों बन गई थी, साहब जी को सलाम क्यों नहीं किया? अरे तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही है? और ये क्या बावलों की तरह देख रही है? वैसे तो तेरी जबान एक पल के लिए मुंह में नहीं रुकती। अम्मा हर किसी के सामने बेइज्जत करना जरूरी होता है क्या? नहीं दिल चाह रहा था तो नहीं बोला मैंने। कर दूंगी तेरे साहब जी को सलाम शलाम जब वापस आएंगे। बढ़िया ही। ओए न जाने कौन सी आजमाइश है मेरी रीतु। अरे ये रूही अंदर कहां दफा हो गई है, चला तुझे बेगम साहब से मिलवा दूं। आ जा। आ जाए। सलाम अलैकुम बीबी जी। वालेकुम सलाम, आप कब आई? जी मैं तो बीबी जी काफी देर से आई, वो नाश्ता बना रही थी मैं, और साहब जी तो जल्दी में चले गए, कह रहे थे कि जरूरी काम है। हाँ मुझे भी ये कह के गए हैं, कुछ काम थोड़ा है। अच्छा आपके लिए नाश्ता लाऊं? नहीं नहीं मैं नाश्ता नहीं करूंगी, बस चाय पुलवा दें। जी ठीक है। अच्छा बीबी जी आपने रूही के लिए कहा था ना, मैं उसे अपने साथ लेकर आई हूँ। अच्छा कहाँ है वो, बुलाए उसे? जी यही है। रूही रूही बीबी जी बुला रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा किया जो बुआ के साथ आ गई, बुआ तो सारा दिन तुम्हारे बारे में सोच सोच कर ना परेशान होती रहती है। ऐसे क्या बता रही हैं बीबी जी, ये तो रात भी आने से मना कर रही थी, बड़ी मजबूर करके लेकर आई हूँ। अच्छा क्यों क्यों मना कर रही थी? ये भी इनसे ही पूछ लो, इनके हिसाब से तो मैं बदतमीज हूँ, किसी काम की नहीं हूँ, जिद्दी हूँ, निकम्मी हूँ, कुछ नहीं कर सकती रूही, तो फिर मैं क्यों इनके साथ आती? देखा ना बीबी जी, देखा पहले तो काम बोल ही नहीं रही थी, अब कैसे जबान चल रही है पटर पटर। मत मना करे बुआ, मासूम सी तो है, जो दिल में आता है वो बोल देती है, अपनी सुनती है, दिल की मानती है, और पता है ऐसे लोग बहुत प्यारे होते हैं। क्यों रूही? बिल्कुल ठीक है, सुन ले अम्मा कितनी अच्छी है बीबी जी, कदर है उन्हें मेरी, पता है पूरी दुनिया को होगी, अम्मा को मेरी कदर नहीं है, कुछ नहीं समझती मुझे। अच्छा अच्छा बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा बीबी जी मैं आपके लिए ना चाय लेकर आती हूँ। कुछ खिलाया आपने रूही को? मैं खिला दूंगी, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज चाय पिला दें। माँ खिला देना कह दिया उन्होंने। अरे चल ना। राज पहुंचे कि नहीं? क्या बात है भाई, जो आदमी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, मुझसे बात नहीं करना चाहता, आज मेरी चौखट पे खड़ा है।
दोस्त बन के इस्तकबाल करूं या मेजबान की तरह मेहमान नवाजी करूं? चाय पियेंगे, ठंडा मंगवाऊं? दोस्ती के लायक तो तू आज भी नहीं है। पहले शायद ये बात मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब तेरी इस हरकत के बाद ना सब बहुत अच्छे से समझ गया। तुझे तेरा कर्जा वापस चाहिए ना, मैं ला कर दूंगा, लेकिन आज के बाद उस घर की तरफ नहीं जाएगा तू। अबे ये डायलॉग मारने के बजाय अगर मेरी कर्ज की रकम लेकर आता ना तो ज्यादा अच्छा था। लाऊंगा, मैं ही लाऊंगा। अगली दफा तेरे सारे पैसे मैं लेके आऊंगा। मोहलत याद है ना? सिर्फ 3 दिन, 3 दिन की मोहलत है तेरे पास। ये मोहलत भी ना तेरी औकात जैसी ही है। मेरी औकात तो तूने देख ली ना, अब दिखा, अपनी औकात दिखा मुझे। क्या सोच रहा कि 72 घंटे में 3 लाख रुपए का बंदोबस्त कैसे होगा? मैं बताता हूं कैसे होगा। एक सौदा करते हैं मूसा, मैं अपना कर्ज भूल जाता हूं और तू मुझे को भूल। खबरदार, अपनी नियत का कोट आइंदा अपनी जबान पे मत लाना। मंगेतर है रोई मेरी, कोई चीज नहीं है। इसका जब जी चाहे तू नाम लेता रहेगा, और आज के बाद अगर अपनी गंदी जबान से तूने रूही का नाम लिया ना तो यहीं तुझे तेरे घर के सामने गाड़ दूंगा। उषा, बहत्तर घंटे 3 लाख। उस एक्सीडेंट के बाद कितने दिनों तक आपको याद करती रही। अगर पहले पता होता कि आप अनीशा बीबी के शौहर हैं तो फौरन ही अम्मा के साथ यहाँ आने लगती। पर चलो, वो कहते हैं ना, देर से आना भी खैर का आना होता है। तो अब मैं खैर से आ गई हूँ, रोज मुलाकात हुआ करेगी आपसे। लेकिन पहले वो एक्सीडेंट वाली बात का हल ढूंढना होगा। ऐसा ना हो मूसा के गुस्से में मेरा आना जाना यहाँ बंद हो जाए। ये क्या तू रूह की तरह घूम फिर रही है पूरे घर में? मेरे साथ काम ही करवा दे। नौकरानी नहीं हूं मैं। अच्छा बीबी, तू नौकरानी नहीं है, मैं नौकरानी हूं इस घर की। मेरा ही हाथ बटा दे। हाँ बटा दूंगी जब बटाना होगा। ठीक, कैसी बेहिस औलाद है तू मेरी, अपनी मां का जरा भी एहसास नहीं है। तेरे से अच्छा तो वो मूसा है। अरे हमारा कर्जा उतारने के लिए कैसे मारा मारा फिर रहा है वो। खुशफहमी है तेरी कि हमारे लिए ख्वार हो रहा है। वो जो उसके दिल में शादी का लड्डू है ना, उसके पीछे इतना जलील हो रहा है। अरे रूही, तू कितनी नाशुक्री है। ये कमबख्त इरफान से हमारी जान छुड़ाने के लिए सब कुछ कर रहा है वो। अगर उसने अपने अरमान ही पूरे करने होते ना तो जैसे मैंने कहा था, फौरन काजी को लेकर आता, तेरे साथ निकाह पढ़वाता और साथ ले जाता अपने। हाँ मैं तो मिट्टी की मादू हूं ना, उसके साथ चल पड़ती। कुछ और देखती हूँ खाने के लिए।
पता नहीं मेरे कौन से गुनाहों की सजा है तू। बस यही काम आते हैं तुझे और कुछ नहीं। हेलो रमजान चाचा, हेलो आवाज आ रही है? हेलो जी जी जी, वो मैं ऐसा करते हैं ना कि आप थोड़ी देर बाद दुकान आ जाएं, वहीं बैठ के आराम से बात कर लेते हैं। लेकिन आज जो आप मुझे बयाना देंगे ना, वो 3 लाख रुपए देंगे। जी जी, बाकी कब्जे पे देख लेंगे जी, सब क्लियर कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मूसा जी बेटा, मैं क्या सुन रही हूँ? इकबाल कह रहा था कि तुम अपनी दुकान बेच रहे हो। जी अम्मी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? रोटी रोजी है दुकान हमारी, और कोई अपनी रोटी रोजी को भी बेचता है तो अम्मी और क्या करूं, चोरी करूं या डकैती डालूं? देखिए, एक दफा इस मसले से हम बाहर आ गए ना, तो फिर से दुकान बना लूंगा, फिर से कारोबार जमा लूंगा। बेटा तुमने अपने आप को फिक्रमंद खुद ही किया। अरे जब जेब में पैसे नहीं थे तो खाला को आसरा क्यों दिया? वो मांग लेती अपने मालिकों से। तुमने इतना बड़ा फैसला करने से पहले ये भी ना सोचा कि ये दुकान तुम्हारे बाप की आखिरी पूंजी है, और अभी तो तुमने 2 महीने पहले इसमें नई मशीन डलवाई है, बिल्कुल नई मशीन। और अपने इस तरह के जमे जमाए कारोबार को कौन बेचता है, कौन अपने हाथों खराब करता है, ये बताओ। अमित देखिए, कोई और रास्ता भी तो नहीं बचा ना, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और हो सकता है बेचारी खाला के पास भी कोई रास्ता ना बचा, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि निकाह कर लो जल्दी से। अरे इससे अच्छा तो नहीं होता। क्या होता मम्मी, क्यों नहीं होता? क्या मेरी शादी नहीं होती? और आपका भी तो मैं इकलौता बच्चा हूँ ना, आपके दिल में तो कितने अरमान होंगे, वो सब पूरे करना चाहती है ना आप। अरमान होगा क्या है बेटा, अरमान तो बाद में भी पूरे हो सकते थे। कि असल बात तो ये है कि तुम रूही की बात को इनकार नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं है, बात को समझने की कोशिश करें, वो बेचारी मुश्किल में है, उनके पास इस वक्त कोई मदद नहीं है, और अगर अल्लाह पाक ने हमें नवाज दिया है तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उनकी मदद करें। और आप कैसे भूल सकती हैं अम्मी, जब अब्बू का इंतकाल हुआ था मैं कुछ भी नहीं करता था, फारिग था, तो हमारी किसने मदद की थी? खाला ने। जानती हूँ बेटा, नसीबा ने बहन बनकर नहीं भाई बनकर मेरा साथ दिया, उसने मुझे कभी भाई की कमी महसूस नहीं होने दी, और ये सब मैं नहीं भूली। अरे तो फिर दिल बड़ा कीजिए ना अम्मी, सब ठीक हो जाएगा, मैं संभाल लूंगा सब, वादा करता हूँ आपसे। लेकिन लेकिन मैं तुम्हें दुकान नहीं बेचने दूंगी, उसका एक हल है मेरे पास। वो क्या? हाँ एक हल है, तुम ठहरो, मैं लेकर आती हूँ। अम्मी ठहरो ना। अरे ये ना मैंने तुम्हारी दुल्हन के लिए रखे हुए थे, आजकल तो उसका भाव भी बहुत ज्यादा हुआ है, इसे बेच के कर्जा चुका दो, कर्जा चुका दो बेटा। अम्मी आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। मैं शॉपर लेकर आती हूँ, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी जल्दी आ जाएं। क्या बात है उस्ताद, सब ठीक तो है ना? हम सबको यहां क्यों जमा किया है?
हाजी सोनू और राजू का, उन्हें बताया नहीं था, मैंने बुलाया, दिमाग खराब हो गया, आए क्यों नहीं है? उस्ताद, टूटा भालू छोटू तो साथ हैं, बाकी आ रहे हैं। मसला क्या है आप मुझे बताएं। मूसा ने दावा किया है 24 घंटे के अंदर वो कर्ज की एक एक पाई चुका देगा। उस्ताद तुम भी किसकी बातों पे आ गए, जज्बात में बेचारे ने कह दिया होगा। दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो पैसे जमा करने के लिए हाथ पांव जरूर मारेगा, और मैं मूसा को पल पल हारते हुए देखना चाहता हूं। उसने मुझे ललकारा है, मेरे गिरेबान पर हाथ डाला दूसरी दफा, मेरे पैसों का इंतजाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पैसों का इंतजाम हो गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो मनहूस घड़ी आ जाएगी जब मेरी शिकस्त का परवाना मूसा के हाथ में होगा और वो मेरे हाथ में थमा देगा। जाओ, जाकर नजर रखो उस पे। चलो। इकबाल। जी जी उस्ताद। क्या कर रहे हो? ये सारे कपड़े उस्ताद तय कर रहा हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, सारा सामान वापस जगह पे लगा दो। मैंने रमजान चाचा को फोन करके कह दिया है, अब हम नहीं बेच रहे दुकान। सच्ची उस्ताद? हाँ यार, अम्मी ने पैसों का बंदोबस्त कर दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है उस्ताद, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ, मैं बस एक काम से जा रहा हूँ, तुम जब तक पूरी दुकान सेट करो यार, लगाओ जल्दी, खोलो सब, शाबाश। ठीक है, काम पे लगो। ठीक है। कितना प्यार है।
कैसी ना समझ है अम्मा, मुझ जैसे हीरे को मूसा जैसे गधे के गले में बांधना चाहती है। कहां मैं कहां वो दर्जी, मेरी जोड़ी तो सजेगी अनीशा बीबी के शौहर जैसे शहजादे के साथ। अम्मा ने तो यही बताया था कि साहब शाम होते ही घर आ जाते हैं। अभी अनीशा बीबी नहाने गई हैं, अम्मा भी काम में मसरूफ है, काश अब भी आ जाएं जल्दी से बात। मुझे जगह दूंगी मैंने जान। थैंक यू। मनहूस मूसा, आज जिसकी वजह से दूसरी मुलाकात पर ही शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अगर उसने इतना जंगलीपन ना दिखाता तो क्या था, आज ऐसे किसी हीरोइन की तरह एंट्री मारती रही। लेकिन ऐसे जाहिलों में रहकर शर्मिंदगी ही है। यह मुसीबत है। हाय रूही, कितनी खूबसूरत है तू। सारा दिन वहां काम करके आओ और आकर घर के काम भी करो। ऐसी मनहूस लड़की है, ये नहीं कि माँ का हाथ ही बटा दे, कोई बर्तन ही धो दे, वो भी सारे मैं ही करूं। किसका फोन आ गया? अरे रुक जा रे, ये किसका? गुड़ गया मेरा फोन। रूही कहां मर गई? अम्मा ये बाबे आदम के जमाने के फोन को ना मैं तो कहती हूँ ट्रेन की पटरी पर फेंक दे। अब ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, इसे पकड़। अरे खोल ले, साफ कर, मेरा फोन खराब हो गया तो क्या करूंगी मैं? अल्लाह मेरी किस्मत, मेरे फोन सत्यानाश फिर गया फोन का, पता नहीं किसका फोन था।
अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। ओफो गजब खुदा का, क्या बात है भाई, कहाँ होती हो तुम आजकल? ना फोन उठाती हो ना नजर आती हो, कहीं तुमने भी खाला जान के साथ साथ नौकरी तो नहीं ढूंढ ली? नौकरी करे मेरे दुश्मन, रूही तो राज करेगी। ए रूही, अब बातों में मत लग जाना, जल्दी से तैयार हो जाना, काम पर भी जाना है। ये मनुष्य नींद ने बेवक्ती आना था। उफ अल्लाह, क्या हो गया आज दोनों माँ बेटी को? सुबह ही सुबह लग रहा है मिर्ची खा के बैठी हो तुम दोनों। बाहर एक तो खाला जान ने सीधे मुझे जवाब नहीं दिया सलाम का, और अंदर तुम अजीब सी बातें कर रही हो। हाँ तो जाके पूछना अपने भाई से। तुम्हारी मेरी दोस्ती के बीच में भाई कहाँ से आ गया? याद दिलाऊं, पहले रास्ता रोकता और फिर तेरे नंबर से फोन करके तंग करता है मुझे, कमबख्त। आई अल्लाह, रूही वाकई कसम से मुझे नहीं पता था इस बात का। हाँ अंदाजा था मुझे, तभी तो यहाँ खड़ी हो। अल्लाह अकल दे कसम से इरफान भाई को, एक तुम्हें तो मेरी पक्की सहेली हो। हाँ खुद देख, अम्मा को धमकी देकर गया कि 3 दिन के अंदर पैसे दो, वरना फिर कोई तमाशा करेगा। ऐसा कोई करता है क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है रूही, कहीं इरफान भाई का किया धरा मेरे और बच्चों के आगे ना आ जाए। तुम तो जानती हो, अब्बू समझाते समझाते इरफान भाई को कब्र में उतर गए, और अम्मी उनकी तो वो सुनता ही नहीं है। बस तुम ये समझ लो कि बदकिस्मती से वो मेरा भाई है। अच्छा अच्छा, ज्यादा दुखी मत हो, बस उसे जाकर एक बात बोल देना कि ये रूही की नजरों में कभी नहीं आ सकता, चाहे जो कर ले। क्योंकि तुम्हारी नजरें तो किसी और पे है ना आजकल। अच्छा ये बताओ, इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? बंगले जा रही हूँ अम्मा के साथ। क्यों? उस जिंदगी को महसूस करने जिसके मैं ख्वाब देखा करती थी। तुझे एक चीज दिखाती हूँ, ये देख, कलर देखा है कितना अच्छा है। ये कहाँ से आया तेरे पास? बेबी जी ने दिया है तुझे, या फिर तूने? तुझे के शक्ल से मैं चोर लगती हूँ? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, तू चोरनी नहीं, पूरी लुटेरन है, लुटेरन। अच्छा मुझे तो दिखा, मैं लगा के तो देखो। चल हट, तेरी औकात नहीं है, बहुत महंगी वाली है, बहुत महंगी वाली। रुई, रुई, वो इकबाल आया, बता रहा है कि मूसा का एक्सीडेंट हो गया, हमें फौरन ना अस्पताल पहुंचना है, जल्दी से तैयार हो जा। चला निकला, मैं चादर लेती हूँ। मर ही जाए कमबख्त। अरे क्या गिन रहे हो उस्ताद, 3 से ऊपर का माल है। हाँ 3 से ऊपर का माल है, इसको कहते हैं बीज कोई और बोए और माल हम खाएं। क्या मतलब? चल तुझे स्क्रीन के पीछे का मंजर समझाता हूँ। हाँ समझाओ। रूही का बाप बीमार था ना, उसकी माँ उसको लेकर हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने कहा कि इलाज में 3 लाख रुपए लगेंगे। कितने? 3 लाख। हाँ बूढ़े की टांगे वैसे ही कब्र में लटकी हुई थी, मेरे जुगाड़ू दिमाग ने काम किया, मैंने उस डॉक्टर को इलाज से रोक दिया। एक अदाई डॉक्टर पकड़ा, उसने वार्ड बॉय के साथ मिलकर रूही के बाप के आखिरी सफर को आसान बना दिया। और किसी को शक भी नहीं हुआ।
3 लाख का काम 10,000 रुपए में हो गया। यानी कि 10,000 लगा के बुढ़िया को 3 लाख का कर्जदार कर लिया। लेकिन फायर मिस हो गया मेरा। मैं सोच रहा था कि बुढ़िया की नजर में हीरो बन जाऊंगा, रूही भी इंप्रेस हो जाएगी मुझसे, और बुढ़िया एहसान तले दब के अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे देगी। लेकिन पता नहीं कहां से ये मूसा बीच में आ गया। तो उस्ताद वो रूही के बाप की तरह मूसा को भी रवाना कर दे। क्या हो गया तुझे रूही के बाप की तरह मूसा को भी? रूही का बाप बूढ़ा आदमी था, वैसे उसकी टांगे कब्र में लटक रही थी। मूसा हट्टा कट्टा बंदा है, उसका इंतजाम करना इतना आसान नहीं है। हाँ ये भी बात है उस्ताद, और मूसा की माँ रूही की माँ की तरह बेवकूफ भी नहीं है, अच्छी खासी होशियार औरत है वो। और वैसे उस्ताद कैसा लगेगा ना, मूसा वहां टूटा फूटा हॉस्पिटल में पड़ा होगा और तुम खुल के अपनी मनमानी करना। और ये बात तो तय है कि मूसा इतनी जल्दी अपना कर्ज लौटा नहीं सकेगा। मुझे तो लगता है नसीमा, रूही का सितारा मूसा के लिए बहुत भारी है। अरे एक के बाद एक मुसीबत सर पे खड़ी रहती है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो चुप करो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे जिस माँ की जवान औलाद इस तरह पड़ी हो, उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है सिर्फ माँ ही जानती है, तुम नहीं। अरे अम्मा ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस ये मामूली चोट है और कुछ नहीं। नहीं बेटा, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है, ये सब कुछ ना इस रूही की वजह से ही हो रहा है। ना उस इरफान की नियत में खोट आता, ना मगनी से चिढ़ता और ना ही रकम की मांग करता। अरे क्या हो गया आप दोनों को? आप खाला को कसूरवार ठहरा रही हैं, खाला खुद को कसूरवार मान रही हैं। इन छोटों की मुझे इतनी अजियत नहीं हो रही जितनी आप लोगों की इन बातों से हो रही। छोड़ दें इन बातों को, जो होना था वो हो गया। इससे तो अच्छा है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, मुझे मेरे हाल में छोड़ दें। हाँ अम्मा, मैं तो कहती हूँ चलते हैं, और इनकी अंगूठी भी इनको वापस कर जाते हैं। रूही तेरे मुंह में खाक, अरे कभी तो चुप करके बैठ जाया कर, पहले ही मामला बिगड़े में तो और बिगाड़ने पर तुली भी है। बेटा तू बता हादसा कैसे हुआ? खाला अम्मी ने जो जेवरात दिए थे उनको मैंने बेचा है, और मैं रकम लेके इरफान की तरफ जा रहा था, पता नहीं किसने मुझे पीछे से मारा और एक्सीडेंट हो गया और ये हाल हो गया मेरा। ओए अल्लाह मेरा बच्चा, ये कितने जालिम लोग हैं, अंधे होकर चलाते गाड़ियां। वही तो सालिम, मेरे बच्चे को मार पीट कर गिरा कर चले गए, ऊपर से लूट भी लिया। ये सुनार की दुकान से मुखबरी हुई है, वहीं से कुछ लोग इसके पीछे लगे कि लड़का पैसे लेकर निकला है ना। लो भाई, गरीबी में आटा गीला। रूही चल जा, बाहर जाकर बैठ, मैं आती हूँ अभी। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम बाहर ही बैठो। मुझे भी कोई शौक नहीं है खाला इस बद्दू में बैठने का, चल आ जा। जरा भी लिहाज नहीं करती ये लड़की। कोई बात नहीं, वक्त के साथ सुधर जाएगी, समझने लगेगी चीजों को। अरे हड्डियां तोड़वा कर भी ना तुम्हें उसी की फिक्र है। कोई बात नहीं खाला। देख बेटा, मैं तुम लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ, मानो माफ कर दे। इसने जो कुछ किया मेरे बच्चे ने, मैं तो अपनी जान भी दे दूँ ना वो भी कम है।
अरे नहीं नहीं नसीमा, तुम्हारी नियत पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रूही मेरे मूसा की कदर करेगी। कल रात मैंने उसे दसियों फोन किए, एक ना उठाया। उसके बाद उसने फोन बंद करके रख दिया, फिर मैंने घबराकर तुम्हें फोन किया और तुमने भी। अरे मेरा फोन तो पानी में गिर गया था और फोन ही खराब हो गया। हमी सुन ली आप, वो इतनी भी बुरी नहीं है। खाला बता रही है ना कि फोन खराब हो गया था। मानो अब रूही इतनी भी बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी अक्खड़ जरूर है। अरे जैसी भी है तो तुम्हारी अपनी ना।